भाइयों और बहनों, राजस्थान में हम सारे मुसीबतों का मुकाबला करते हुए हमारी आर्थिक अभिवृद्धि की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमको लोगों को पढ़ाने की, विशेषकर महिलाओं को पढ़ाने की बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पढ़ाने के साथ साथ ये भी है कि उन लोगों को, उन बदकिस्मत लोगों को जिनको इस किस्म का सुविधाएं नहीं मिलते हैं, उनको कम से कम लिखने पढ़ने की हद तक, इसको आम तौर पर लिटरेसी कहते हैं, उस तरफ ही हमें लोगों को ले जाना है। बदकिस्मती से सारे हमारे राष्ट्र में, राजपूत राजस्थान के स्टेट में हम बहुत पीछे हैं और नीचे से शायद 2 या 3 नंबर हमें मिलता है। इसलिए हमें और ज़्यादा सावधान होना है, चेतावनी के साथ हमें ये काम आगे बढ़ाना है। सारे देश में यहाँ 52.11 की आबादी पढ़े लिखे में आगे हैं, तो हमारे प्रांत में केवल 38% हम आ पढ़ रहे हैं। विशेषकर महिलाओं के बारे में जब सोचते हैं तो अफसोस है कि वो भी संख्या और कम हुआ और 20.84 के हिसाब में हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें विशेषकर प्रयास ना करें तो देश में दूसरे और बातों के साथ साथ इसमें भी पीछे रह जाते हैं। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हमने तमाम मैदानों में काफ़ी आगे बढ़ा। मामूली खाने पीने की चीज़ों को, चावल, गेहूँ, इन सब चीज़ों को भी दूसरे देशों से हमको लाना पड़ता था, उन पर निर्भर होना पड़ता था। इसलिए उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया। प्लानिंग कमीशन के ज़रिए जो हम हर 5 साल को प्लान बनाते हैं, उस पर खाने पीने के, ज़राअत की तरक्की के मामले में ज़्यादा हमने ध्यान दिया और अपने पैसे उनको मुहैया किया। उसके साथ साथ जितनी भी इंडस्ट्रीज बनते रहे, उन इंडस्ट्रीज़ को भी बढ़ाने का काम काफ़ी तौर पर किया। मगर आज हम 40 साल के बाद पीछे पलट कर देखते हैं, ये ठीक था एक तरह से, क्योंकि आम तौर पर जनता को खाने पीने का सुविधा देना ज़रूरी है। मगर हम फिर से ध्यान से देखें तो शायद उस पर, उस वक्त हम लोगों को पढ़ा लिखाने में ज़्यादा अगर हम पैसे देकर सुविधाएं पहुंचा सकते थे तो ये जो काम हुआ, जो तरक्की हमने पाया, उसका और ज़्यादा असर, और ज़्यादा फ़ायदा मिलने का अवसर मिलता था। आज भी कम से कम हम ये सोचें कि इन सबको पढ़ाने की ज़रूरत है। पढ़ने का मतलब, पढ़ाने का मतलब क्या है, यहाँ तक कि अक्षर सिखाने की बात पर भी उसके हम उस पर ध्यान क्यों देने चाहिए। अक्षर केवल दस्तखत करने के लिए ही नहीं, अगर दस्तखत करने की भी काम कर सके तो उस वक्त उसका दिमाग में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, अपने अधिकार के बारे में सोचने की मनोवृत्ति बढ़ जाती है। उसके साथ साथ लोग उनके साथ व्यवहार करने में और देश में और प्रदेश में उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको समझने में वो ज़्यादा जागरूक हो जाता है। हर इंसान में बराबर वो क़ुव्वतें हैं जो हमें छुपे हुए होते हैं, हम उनको बाहर लाने की बड़ी आवश्यकता है और बाहर लाने के तमाम तरीक़े होते हैं। उन सब तरीक़ों से ज़्यादा असरअंदाज ये पढ़ाई लिखाई से होता है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे राजस्थान के मामले में जब सोचते हैं, जहाँ हमारे आंकड़े बहुत कम हैं पढ़े लिखे की तादाद का, उसके साथ साथ हमारी आबादी को बढ़ाने की जो मनोवृत्ति है, जो हालत है, जो सूरत हाल पैदा हो रही है, उसको देखें तो 1000 में 28.4 के हिसाब से पूर्व 10 साल में 1951 से 1991 तक
28.4 का पॉपुलेशन बड़ा है। इन दोनों को हम साथ अगर सोचते हैं तो ये मालूम हो जाता है कि जहां हमको पढ़ाई लिखाई में, लिटरेसी में जो कमजोरी होती है, जिस स्टेट में, जिस प्रांत में, जिस सेक्शन में, जिन लोगों में, वो लोग इस फैमिली प्लानिंग के तरफ ज़्यादा ध्यान देने की शक्ति उनमें नहीं रहती। इसका मिसाल हम केरला में देखेंगे, वहाँ जहाँ पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हुआ है, और सारे हिंद भारतवर्ष के तमाम प्रांतों के मुकाबले में सबसे नंबर वन दर्जे पर है, तो वहाँ पर फैमिली प्लानिंग का काम का असर बड़ा अच्छा हुआ। केरला में बहुत से देहात ऐसे हैं जिसमें उस प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ने की आयु में कोई बच्चे वहाँ नहीं हैं, और बस देहातों में बराबर स्कूल्स बंद किए जाते हैं। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, पढ़ाई लिखाई का काम केवल अपने धंधा, व्यापार या लेन देन या पत्र व्यवहार के लिए ही काम नहीं देता, बल्कि साथ साथ उसमें वो विकास हो जाता है कि तमाम समस्याओं को समझने की ताकत, उस पर ध्यान देने की मनोवृत्ति बढ़ जाती है। इसीलिए इस तरह आज हम जो काम करते हैं, मुझे कभी कभी ऐसा मालूम होता है कि फैमिली प्लानिंग पर जो हम खर्चा कर रहे हैं, राष्ट्र के से केंद्र के शासन या खुद प्रांत के शासन ने जो खर्चा आज किया जाता है, उसमें शायद उतना असर नहीं होता, उसके साथ साथ बल्कि उसका कुछ हिस्सा पैसे निकाल कर हम इस काम में लगाते हैं, तो उन दोनों को एक साथ जोड़ कर देखते हैं तो असर शायद ज़्यादा अच्छा होता है। बहरहाल अब हमारे केंद्रीय शासन को और प्रांत के शासन को अब इस वक्त सोचना ये पड़ेगा कि हमको ये तालीम पर और इस किस्म के लिटरेसी के कैंपेन पर और विशेषकर महिलाओं के बीच में तालीम को बढ़ाने के काम पर ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा बजट में प्रपोज फाइनेंसिस को रखना है, ताकि हम और अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। मुझे ये कहते हुए बड़ी तकलीफ़ होती है कि हमारे राजस्थान में इस मामले में पीछे हैं, मगर अब इस वक्त के शासन के कई कोशिशें हो रही हैं, और बाज ज़िले हमने लिया, उन ज़िलों में पूरी 7% लिटरेसी को हासिल करने की कोशिश की जा रही है, और मुझे खुशी है कि काफ़ी हद तक कामयाबी के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पर हमको और जोर लगाना है, और ये भी आपको मालूम करनी चाहिए कि जहां महिलाओं को हम विशेष इस मामले में, इस मैदान में आगे बढ़ाते हैं, पढ़ाई लिखाई में और लिटरेसी में जब आगे बढ़ते हैं, तो इसकी जमानत हो जाती है कि केवल एक महिला नहीं, बल्कि उसकी सारे परिवार आगे बढ़ने के लिए हम अच्छा बुनियाद डालने वाले हो जाते हैं। तो इसलिए तालीम को एक ज़माने में समझा जाता था कि ये गलत इन्वेस्टमेंट है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, या कोई प्रोडक्टिव नहीं है, इंडस्ट्रीज प्रोडक्टिव हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव है, पर तालीम बेकार चीज़ समझी जाती थी। मगर हमने ये महसूस किया कि 40 साल के इस अनुभव के बाद कि तालीम नॉन प्रोडक्टिव नहीं होने की कोई बात कहता है तो बहुत ही गलत है। प्रोडक्शन की कैपेसिटी, समझने की कैपेसिटी, संभालने की कैपेसिटी जो होती है, इस तालीम के साथ, यहाँ तक के लिटरेसी कैंपेन के आगे कामयाबी के साथ बढ़ाने के साथ, हमारे दूसरे तमाम मैदानों में हमारी प्रगति बहुत ज़्यादा 4 गुना 6 गुना बढ़ जाता है। तो इस लिहाज से आज हम उस नतीजे पर आए, दुनिया में आज सारे विश्व में, अलग अलग देशों में इस बात का जो ध्यान दिया जाता है, वो आज बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम इतनी आधे से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे ना हो, बल्कि महिलाओं को बहुत से लोग पढ़े लिखे ना हो, तो उसकी वजह से हमारी तरक्की का काम में जो रुकावटें आ रही हैं, उसको हम समझ सकते हैं। अब ये चैलेंजेस का सवाल है, जो मजबूत होता है वही अपना जिंदा रह सकता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात हमें ध्यान करना है, तो फिटेस्ट बनाने का काम में सबसे ज़्यादा, दूसरे और बातों से भी ज़्यादा, ये लिटरेसी कैंपेन और पढ़ा लिखा की बात होती है। तो मैं ये समझता हूँ हमारे यूनिवर्सिटीज़ के एजुकेशन या दूसरे एजुकेशन के साथ जो हम ध्यान दे रहे हैं, आज मैं समझता हूँ काफ़ी हो गई है, काफ़ी हम मदद कर रहे हैं, मगर अब तो
जब तक कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में और लिटरेसी कैंपेन पे हम ध्यान नहीं दे सकते, और इस वजह से हमारे सारे लोगों को आगे बढ़ाने में हम आगे कामयाब नहीं होते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी एजुकेशन और हायर एजुकेशन का फ़ायदा नहीं होगा। टेक्निकल एजुकेशन के नाम पर बहुत से कॉलेज बढ़ते जा रहे हैं, उस पर हमें ये ध्यान देना है कि हमको ज़रूरत कितनी है, कितने डॉक्टरों की ज़रूरत है, कितने इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, कितने टेक्निकलों की ज़रूरत है, वो उसे करें, मगर उससे ज़्यादा बढ़कर सारे लोगों को कम से कम सेकेंडरी एजुकेशन तक, मैं तो ये कल्पना करता हूँ कि सारे 7% लोग हम पढ़े लिखे की सुविधा सरकार को लेनी चाहिए। हाँ ये सही है कि कुछ निजी मैदान में भी लोग आते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी लोग काम करते हैं, उसको ठीक ढंग से वहाँ जो बुराइयाँ होती हैं उसको रोककर अच्छे मामले तरीके से चला सकते हैं, तो उसको भी हम साथ लेंगे, मगर शासन की जिम्मेदारी हो जाती है ताकि हम इस मैदान में अच्छे तरह कामयाबी से आगे बढ़ा सके, इसकी पूरी जिम्मेदारी हमें लेना है। तो आज मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि इसके महत्व को हम समझें, इस पर ध्यान दें, इसको बेकार चीज़ मत समझे, इसकी एक लग्जरी समझने का ज़माना अब ख़त्म हो गया है। उस तरह हम सब भाई और बहनों को लाने का काम जो पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे खुशी है कि राजस्थान में अभी ये विचार किया जा रहा है कि 11th क्लास में जो बच्चे होते हैं उनको एक एक विद्यार्थी को कम से कम दो लोगों को वहाँ पर पढ़ा लिखाने का काम में रहने का एक जिम्मेदारी देना चाहते हैं। उसी तरह और लोग भी वॉलंटरी तरीके से जो काम करते हैं, प्राइवेट स्कूल के सेंटर्स को जो गवर्नमेंट ने रखा उसमें, और अपने अपने तौर से वॉलंटरी तौर पर तमाम शहरों में और देहातों में ये काम अगर फैलाए तो इसमें हम पूरी तरह कामयाब होने की अवसर है, और उस अवसर के लिए हम सबको मिलकर जुड़कर काम करने की पर मैं प्रार्थना करता हूँ, और आज आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप इसको संकल्प करें, इसमें जुट जाएं, और इस तरह की जुड़ने के बाद जो नतीजा होगा कुछ आने वाले चंद दिनों में इसका फल स्वरूप हमको देखने में आएगा। मैं यही बातों से आज आपको इस बात की महत्व को बताने की चेष्टा किया, और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद।